मोस्ट वेलकम। टुडे डिस्कस ऑन जनरल करेक्टर ऑफ फंजाई। आज हम फंजाई के यानी मींस कवक के जो सामान्य लक्षण हैं उनकी बात करेंगे। तो देखा जाए जो फंजाई है या कवक है वो एक प्लांट किंगडम का एक स्पेशल ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पूरी तरीके से पैरासिटिक होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और ये अंधेरे में मॉइस्चर में नमी वाले स्थानों पर ग्रो करते हैं बेसिकली। और ये जो देखा जाए बहुत ब्रॉड एरिया फंगस का है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो बीएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली देखा जाए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है टर्मिनोलॉजी से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पीजीटी टीजीटी एमएससी एंट्रेंस बीएससी एंट्रेंस के बहुत सारे एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखा जाए कि जो हमारा कवक है उसका आम जिंदगी में आम आदमी की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारा यूज है, फूड में डिजीज में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जिसकी स्टडी के लिए क्लासिकल साइंस के साथ साथ मेडिकल साइंस में भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम इस डिस्कस करेंगे फंजाई के सामान्य लक्षण पर, जनरल करेक्टर ऑफ फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक अक्लोरोफिलस एंड यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच में रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स। तो देखा जाए फंजाई जो हमारे हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं, इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। देखा जाए यीस्ट जो हमारा यूनिसेलुलर है और उसके अलावा दूसरे फंजाई हैं वो चाहे एगेरिकस हो चाहे एस्परजिलस हो चाहे पक्सीनिया हो, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं और इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। ऑल आर यूकैरियोटिक पॉसिस मेंबर बॉन्ड न्यूक्लियाई आर रेंज ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो ये ऐसे यूकैरियोट्स हैं इनके यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त मेम्ब्रेन बॉन्डिंग जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बैक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट आर फिलामेंटस कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस कॉल्ड हाइफी which are exhibit apical growth which branch to form network of hyphae called mycelium, some are unicellular such like yeast। तो देखा जाए इनकी जो प्लांट बॉडी होती है फिलामेंटस होते हैं, धागे के आकार के होते हैं, थ्रेड लाइक भी होते हैं, हायर फंजाई कुछ बड़े होते हैं और इनमें ब्रांचिंग भी होती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। माइसिलियम का जो छोटा पार्ट होता है उसे भी हाइफी कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम जो प्लांट बॉडी है उसको माइसिलियम कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा ऑफ हाइपा और सेल सराउंडेड बाई रिजिड सेल वॉल। तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है तो सेल वॉल होती है उसे घिरा रहता है और ये सेल वॉल बेसिकली जो है कंपोज प्राइमरी ऑफ काइटिन एंड ग्लूकोन्स ऑल द बॉल ऑफ सम स्पीसीज कंटेन सेलुलोज। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो फंजाई है जो कवक के मेंबर्स हैं जो फंगस मेंबर्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन कुछ में कुछ सेलुलोज का कंटेंट भी पाया जाता है। तो एक फंजाई जो बेसिकली है वो स्पेसिफिक ग्रुप है, बाकी अगर हम बात करेंगे एल्गी की, बाकी हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, बाकी हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, तो उनकी सेल वॉल में काइटिन नहीं पाया जाता। तो काइटिन जो बेसिकली है वो केवल फंजाई की सेल वॉल में ही पाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ। Many reproduce both asexually sexually, both sexual asexual reproduction of result the production of spores। इसमें sexual reproduction भी होता है और asexual reproduction भी होता है। तो अगर हम बात करें तो asexual reproduction में देखा जाए gamete fusion नहीं होता है, इसमें कोई organs की आवश्यकता नहीं होती विशेष प्रकार के male female organs की, लेकिन sexual reproduction में male female organs होते हैं और दोनों conditions में क्या होता है male और asexual reproduction में जो रिजल्ट है जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो स्पोर के फॉर्म में बनता है। देर आर न्यूक्लियाई आर टिपिकली हेपोलाइड हाइपल कंपार्टमेंट ऑफ द मल्टी न्यूक्लियर। तो इसमें देखा जाए कि हेपोलाइड सेल्स भी होती हैं और जो हमारी अगर देखेंगे दूसरा अगर मल्टी न्यूक्लियट भी होते हैं तो ओमाइकोटा एंड सम ईस्ट पॉसिस डिपोलाइड न्यूक्लियाई। तो
जो ओमाइसिटीज के मेंबर है, ओमाइकोटा के मेंबर है, उसमें जो बेसिकली न्यूक्लियाई होता है वो डिपोलाइट पाया जाता है। आल आर क्लोरोफिलस सभी जो हमारे फंजाई हैं उनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, दे लैक क्लोरोफिल पिगमेंट आर इनकैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो बेसिकली क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, इसलिए सभी फंजाई अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस उसमें होता है, वो एल्गी और सॉरी कवक और फंजाई के केस में नहीं पाया जाता। इट मीन्स इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड का फॉर्मेशन नहीं होता, फूड निर्माण नहीं होता इन प्लांट में। आल आर कीमो हेटरोट्रॉपिक, तो सभी जो है कीमो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, केमिकल सड़ी गली चीजों पर और जो वस्तुएं उन पर ये डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। दे आर यूटिलाइज प्री एक्साइटिंग ऑर्गन्स सोर्स ऑफ कार्बन इन देयर एनवायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रिक्वायर फॉर ग्रोथ और एनर्जी। तो बहुत सारी चीजें नेचर से मिलती हैं, एनर्जी अपने अंदर बनते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इनकी एनर्जी क्रिएट करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। पॉसिस करेक्टर रेंज ऑफ स्टोरेज कंपाउंड थ्रेलोज ग्लाइकोजन सुगर एल्कोहल एंड लिपिड्स। तो देखा जाए फंजाई के अंदर जो मटेरियल स्टोर रहते हैं, अगर कहा जाए कि जो जो फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन के रूप में मोस्टली मिलता है, सुगर एल्कोहल के रूप में मिलता है, लिपिड्स के रूप में मिलता है, मे बी फ्री लिविंग और फिर भी इनिशिएट रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म, मे बी फ्री लिविंग पैरासिटिक और म्यूटलिस्टिक सिम्बायोटिक। तो अगर देखा जाए जो फंजाई है वो फ्री लिविंग भी होते हैं, दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएट रहते हैं, दूसरे प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रखते हैं और पैरासिटिक नेचर की रहते हैं अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए अगर फंजाई पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन से किस क्लास का है, कौन से है ग्रुप का फंजाई है, तो बेसिकली अगर हम देखें कि जिसमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है हायर फंजाई है तो बेसिडियो माइकोटा के मेंबर्स में आएंगे और दूसरे उसी तरह के दूसरे फंजाई है जो मैं चल रहा है इसको माइकोटा में आएंगे जिनके अंदर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, ग्लूमरकोटा में आएंगे और जिसमें पूरा स्पोरेंजिया फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइजॉइड्स मिलते हैं, थोड़े बड़े फंगस होते हैं, वो जाइगोमाइकोटा में आते हैं। और जिनमें बेसिकली अगर देखा जाए कि माइसिलियम और बहुत आर्गन डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं क्रेडियोमाइकोटा में रखा जाता है, ग्रुप को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं फंजाई के थैलस, थैलस कैसा होता है। तो फंजाई के थैलस में कुछ थैलस हम देखेंगे जो उनका जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम लीफ में तो डिवाइड नहीं होती है, सामान्यता अगर देखा जाए जो कवक है उनमें जड़ तना पत्ती फल फूल कोई चीज उसमें नहीं पाई जाती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के थैलस मिलते हैं क्योंकि थैलस में कोई डिवीजन नहीं होता है, तो होल थैलस या सिंगल सेलेज का थैलस, इसलिए इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। तो बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड थैलस। तो उसमें थैलस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा है यूकार्पिक थैलस। तो थैलस इज डिफरेंशिएट इनटू वेजिटेटिव पार्ट विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट विच फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सच थैलाई आर कॉल्ड यूकार्पिक। यानी कि ऐसे थैलाई जो वेजिटेटिव पार्ट में डिवाइड हो, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हो और रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता हो, ऐसे थैलाई को यूकार्पिक थैलाई कहते हैं और इसका हमारा एग्जांपल है पाइथियम। दूसरा प्रकार हमारा आता है हेलोकार्पिक थैलस। थैलस डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा थैलस जिसमें कोई डिफरेंशिएशन होता ही ना हो, सिंगल सेल हो या सेल मल्टी सेलर भी हो लेकिन उसमें डिफरेंशिएट शो नहीं हो रहा, डिफरेंस उसमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे थैलस को कहते हैं होलोकार्पिक थैलस। आफ्टर द फेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ इट गेट कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद पूरी बॉडी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस थैला इज कॉल्ड होलोकार्पिक ईस्ट सिंकाइंड्रियम एंडोबायटिकम। तो इनका जो मेन एग्जाम्पल है वो ईस्ट है जिसमें रूट और प्लांट बॉडी कुछ वगैरह डिफरेंशिएट नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइफी। तो हाइफी देखा जाए जो फंगस होते हैं उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसी रचनाएं होती हैं, बुढ़िया के बाल होते हैं, सफेद काले होते हैं, नीला होता है, गुलाबी होता है, अलग अलग तरीके के फंजाई की जो माइसिलियम है वो अलग अलग होती है। तो माइसिलियम का अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है
छोटा सा पार्ट होता है, अगर हम कहें कि पार्ट ऑफ माइसिलियम इज कॉल्ड हाइफी। हाइफी इज अ ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट फिलामेंट यूजली अनब्रांच्ड कंपोज्ड ऑफ एन आउटर सेल वॉल एंड अ कैविटी लाइंड और फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म। देखा जाए जो हाइफी है बेसिकली वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और सेल वॉल से मिलकर बने होते हैं। जो कवरिंग सेल वॉल जो होती है उससे मिलकर बने होते हैं, कैविटी के अंदर होते हैं, इनके अंदर जो बेसिकली जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। अगर देखा जाए हाइफी आर डिवाइडेड कंपार्टमेंट, अगर जो हाइफी है वो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड है, मतलब उसको कहते हैं, उसको कहते हैं सेप्टेट जनरली, और जो नहीं डिवाइड होती उसे हम कहते हैं एसेप्टेट। तो इस तरीके से क्रॉस वॉल किस तरह की डिवीजन पाई जा रही है वो हम फंजाई को स्ट्रक्चर में देखकर पता सकते हैं। हाइफी ऑफ द मोस्ट ऑफ द फंगस इज मेजर, वो हाइफी का जो साइज देखा जाए 5 से 10 माइक्रॉन होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम, ये यहाँ पर देखा जो हाइफी है ये पूरा माइसिलियम है और छोटा पार्ट है हाइफी कहलाता है, छोटा सा पार्ट, इसके अंदर न्यूक्लियाई है। देखा जाए तो ये यूनिन्यूक्लिएट मल्टी सेलुलर माइसिलियम है और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई पाया जा रहा है, ये सेप्टा, ये डिवीजन है, सेप्टम कहते हैं, न्यूक्लियस है, तो कोनोसाइटिक हाइफी है। तो इस तरीके से हाइफी में देखा जाए कि स्ट्रक्चर बड़ा होता है, माइसिलियम यानी होल बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसिलियम। द हाइपर मास और नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड द माइसिलियम। माइसिलियम ऑफ पैरासिटिक फंजाई ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट स्प्रेड बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर माइसिलियम। तो जो प्लांट बॉडी होती है माइसिलियम कहलाती है और जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं बेसिकली होस्ट के सरफेस पर ग्रो करते हैं और उसके बाद उसके अंदर इंटर करते हैं, तो इस प्रकार की माइसिलियम को हम कहते हैं इंटर सेलुलर माइसिलियम, जो कि सेल के बीच में पाई जाती है। माइसिलियम ऑफ पैरासिटिक फंजाई विच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट पेनिट्रेट इन द होस्ट सेल कॉल्ड इंट्रा सेलुलर माइसिलियम। अगर कोई पैरासिटिक फंजाई है होस्ट सरफेस पर ग्रो कर रहा है उसके बाद उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, इस कॉल्ड इंट्रा सेलुलर, पहले मैंने बताया था इंटर सेलुलर, अगर होस्ट के अंदर सेल्स के बिटवीन ग्रो कर रहा है तो इंटर सेलुलर होगा, और होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा है उसके बाद होस्ट सेल में अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर माइसिलियम। इट इज द माइसिलियम इज इंटर सेलुलर, फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द होस्ट सेल वॉल्स मेम्ब्रेन्स। तो जो इंट्रा सेलुलर माइसिलियम है बेसिकली, तो फूड मटेरियल को होस्ट सेल की जो सेल्स होती है उनकी सेल वॉल के थ्रू वो अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट माइसिलियम पेनिट्रेट इनटू सेल्स, हाइपर वॉल्स कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रोटोप्लाज्म। तो अगर जब माइसिलियम के अंदर जब पेनिट्रेट करती है तो उसकी माइसिलियम होती है तो वो डायरेक्ट जब सेल के अंदर इंटर करेगी तो सीधे प्रोटोप्लाज्म से कॉन्टेक्ट में आएगी, और जब प्रोटोप्लाज्म से कॉन्टेक्ट में आएगी तो सीधे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगी। इंट्रासेलुलर हाइफिया मैनी फंजाई स्पेशली ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट्स। तो जो बेसिकली देखा जाए जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है उनमें इंट्रासेलुलर माइसिलियम पाई जाती है, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, रस्ट है। तो इस तरीके की फंजाई में क्या होता है, विशेष प्रकार का ऑर्गन्स होता है जिसे चूसकांग कहते हैं, इसे इंग्लिश में हस्टोरिया कहते हैं, जो सेल्स के अंदर जाके अंदर एम्बेडेड होकर धस जाता है और सेल्स के अंदर जो भी है वो फूड मटेरियल को सक करता है, और सक करने के बाद माइसिलियम को देता है और माइसिलियम फिर उस फूड से अपना डेवलप करता है। तो देखेंगे बेसिकली देखा जाए ये फंगस है जो माइसिलियम है किस तरीके से ग्रोथ करती है, ये ग्लूमिंग ग्रोथ है फंजाई की, जो आप देख रहे हो बड़ी सी कॉलोनी है ये, इसमें जिस तरीके से उस तरीके से फंजाई ग्रो करती है। अगर देखेंगे ये जो हमारा है, ये जो यहाँ देखा जाए पार्ट है इसमें, अब देखा जाए माइसिलियम के टाइप कैसे होते हैं, देखा माइसिलियम तो नॉर्मल है, अब माइसिलियम को अगर हम माइसिलियम को देखेंगे तो उसमें हमें माइक्रोस्कोप कुछ चीजें दिख सकती है, जैसे कि माइसिलियम अगर हमारी सेप्टेट है या सेप्टेट नहीं है तो वो यूनिसेलुलर माइसिलियम कहलाती है, और कई सारे निकले तो मल्टी सेलुलर हो जाती है। अब बात आती है टाइप ऑफ माइसिलियम की, तो पहले ही बात करते हैं मोनोकैरियोटिक माइसिलियम, यानी कि जो माइसिलियम है उसका जो हाइफी है वो सेप्टेट हो, यानी कि बीच बीच में डिवीजन हो, और हर एक चैम्बर के बीच में, हर एक डिवीजन के बीच में, हर एक खाने के बीच में अगर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है सिंगल, इज कॉल्ड मोनोकैरियोटिक माइसिलियम। मोनो मीन सिंगल, कैरियोटिक माने न्यूक्लियाई, ऐसी माइसिलियम जिसके सेगमेंट में, जिसके
सेप्टम चैम्बर में सिंगल न्यूक्लियाई पाया जाता है, ऐसी माइसिलियम को हम यूनिन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं। इसको बताते हैं डाइकैरियोटिक। और अगर सेप्टम के बीच में दो न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं तो ऐसी माइसिलियम कहलाती है हमारी डाइकैरियोटिक। अगला हमारा आता है होमोकैरियोटिक माइसिलियम। माइसिलियम कंटेन्स जनरल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। अगर एक जैसे न्यूक्लियाई है जिनको हम देख सकते हैं तो ऐसे माइसिलियम को होमोकैरियोटिक कहते हैं। और हेटरोकैरियोटिक माइसिलियम जिसमें न्यूक्लियाई अलग अलग हो, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हेटरोमाइसिलियम कहते हैं जिसमें ऐसे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और कभी कभी जो हमारे माइसिलियम होते हैं उसमें बहुत सारे माइसिलियम पाए जाते हैं, दो से अधिक होते हैं। जैसे डायग्राम हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर होमोकैरियोटिक माइसिलियम से दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियाई हैं। तो एक स्पोर में हम देखेंगे होमोकैरियोटिक, लेकिन दोनों न्यूक्लियाई जो एक स्पोर पाए एक जैसे ही पाए जा रहे हैं, तो ये कंडीशन देखा जाए तो कहलाती है होमोकैरियोटिक स्पोर्स की। इसी तरीके से हेटरोकैरियोटिक हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेप्टा। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर जो माइसिलियम को डिवाइड करने का काम करता है, चैम्बर में सेपरेट करता है, इज कॉल्ड सेप्टा। सेप्टा ट्रांसवर्स सेप्टा अकर्स इन द थैलस ऑफ फिलामेंट फंजाई टू कट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ हाइपा टू सेपरेट ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ द डिवाइड हाइपी इनटू द रेगुलर इररेगुलर कंपार्टमेंट सेल्स। दे आर टू जनरल टाइप ऑफ सेप्टा फंजाई, प्राइमरी एंड एडवेंटिटियस। द प्राइमरी सेप्टा आर फॉर्म द एसोसिएशन विद न्यूक्लियर डिवीजन एंड लेट डाउन बिटवीन डॉटर न्यूक्लियाई। द एडवेंटिटिव सेप्टा आर फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड आर स्पेशली एसोसिएटेड विद चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू हाइपा टू अनदर पार्ट। तो हाइपा बेसिकली माइसिलियम को डिवीजन करने का काम करता है, माइसिलियम डिवाइड करता है। तो पहला डिवीजन होता है वो एडवेंटेटिव होता है। दूसरा अगर उसमें हम देखें बीच में सेप्टा फ्रैगमेंट होता है, तो बीच में डिवाइड कर रहा है तो उससे हमारा न्यूक्लियाई डिवाइड होता है, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियाई जब बन रहा है 102 सेल बन रही है तो उस समय सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, दूसरे सेल से 102 भागों में बटती है। इसी तरीके न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर दो भागों में बटने का काम करता है। तो सेप्टा देखा जाए तो डिवीजन वाला पार्ट होता है, इसे हम सेप्टा कहते हैं। तो ये देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये माइसिलियम है, माइसिलियम की हाइपी और बीच बीच में हमारी सेल्स डिवाइड दिख रही है, इसे हम सेप्टम कहते हैं, सेप्टा है। एपिकल ग्रोथ है, इससे नए नए ब्रांचें डेवलप होती है। ट्रांसवर्स सेप्टा, सेप्टा वेयर इज द कंस्ट्रक्शन सेप्टा हैव द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। तो सेप्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि सेप्टा का क्या होता है कि अगर हमारी देखा जाए कि जो माइसिलियम है वो डैमेज हो गई तो सेप्टा वाले पार्ट से माइसिलियम वहां से दूसरी सेल्स बच जाएगी, बाकी सेल्स डैमेज हो जाएगी, ऑर्गन्स का डिवीजन हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स लगे तो वहां से वो माइसिलियम से अलग हो सकता है। इस तरीके से डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम आर सिंपल वेयर एज द अदर कॉम्प्लेक्स। ऑल टाइप ऑफ सेप्टा फॉर्म द सेंट्रीपिटल ग्रोथ फ्रॉम द हाइपल वॉल इनवर्ड। तो मोस्टली जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, मींस सेल वॉल से सेंटर की ओर होता है। सम सेप्टा ग्रोथ कंटिन्यूअस अंटिल द सेप्टम इज सॉलिड प्लेट। और कुछ सेप्टा जो ऑटोमेटिक पहले से ही बने रहते हैं, रेडी सॉलिड कहलाते हैं। द अदर सेप्टम रिमेंस इनकम्प्लीट पोर्स सेंटर दैट मे बी ऑफन प्लग ऑक्यूपाइड। तो कुछ में जो सेप्टम होता है कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, पोर फॉर्म में डिवीजन पाया जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके का है, यहाँ पर देख रहे हैं सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है और डिवीजन भी देखा जा सकता है। यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है सेलवाल की जो डिवीजन होता है, इस तरीके से सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ समय बाद ये सेलवाल डिजॉल्व हो जाएगी तो नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर सम ग्रुप ऑफ बेसिडियो माइकोटिना एक्रुलेरेसी टर्मिलेसी आ फिलोफोलरेसी एग्रीकेल्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स सेप्टा। तो इनमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। सराउंडिंग द सेंट्रल पोर सेप्टम इज कर्व्ड फ्लैंक्स ऑफ वॉल मटेरियल विच थिकेन टू फॉर्म द बैरल शेप्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड द पोर। तो उसमें विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है कि दोनों सेल वॉल से एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलेगा और बीच में एक राउंडेड सर्किल बनाएगा। तो ऐसे पोर को हम कहते हैं डोली पोर सेप्टा। तो डोलियम मीन्स ए लार्ज जार, तो लार्ज बैरल शेप्ड बनता है, आकार का बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सेप्टा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए सेप्टा का बीच में डिवीजन हो रहा है, लेकिन बीच में आकार बना हुआ है बैरल शेप्ड। तो
ये जो सेप्टा कहलाता है, डोली पोर सेप्टा कहलाता है, स्पेशल स्ट्रक्चर एंड स्पेशल पॉइंट ऑफ फंगस जनरल करेक्टर डोली पोर सेप्टा। दी सेप्टा आर ऑफन ओवरऑल परफॉर्म द कैप विच हैव द एक्सटेंशन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन है और ये जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैप इज पार्थिनोसोम, जिसकी कैप पाई जाती है इसे पोर कैप या पार्थिनोसोम भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है। डिपोजिट दीज अपीरेंट बैरियर्स दीज अ गुड साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट सेल। द सेप्टल पोर मे बी वेरी इन द बाइडिस फ्रॉम 1.2 मिलीमाइक्रॉन। तो सेप्टा का अगर साइज देखा जाए, जो पोर का साइज है वो 1.1 माइक्रॉन से 0.2 माइक्रॉन तक होता है। डोलीपोर सेप्टा फॉर्म द बोथ मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डोलीपोर सेप्टा है, दोनों कंडीशन मिलेगा, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक कंडीशन मिलेगा। तो फंगल स्ट्रक्चर, फंगल सेल स्ट्रक्चर, जो सेल की अगर देखा जाए कि फंजाई की जो सेल होती है उसके अंदर अंदर कौन से मिलते हैं, तो बात की जो फंगल सेल होती है बेसिकली वो यूकैरियोट्स होती है। फंगल सेल आर टिपिकल यूकैरियोट्स एंड हैव बीन डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक देन द बैक्टीरिया एंड एल्गी। और ये बैक्टीरिया और एल्गी से अलग इनके अंदर स्ट्रक्चर पाया। चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल अपीयर आर द वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर द मिक्सर सच एज सेलुलोज पेक्टोज सेलुलोज। सेलुलोज प्रीडोमिनेट्स इन द सेल वॉल ऑफ द मेस्टेकोमाइकोटिना। तो देखा जाए इसमें जो मिक्सचर है फंजाई का, हमने बात की थी कि सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है वो काइटिन होता है, लेकिन काइटिन भी विशेष प्रकार के सेलुलोज पेक्टिन इन सबसे मिलकर बना होता है, लोअर फंजाइन पाया जाता है, भेजा हायर फंजाइन काइटिन प्रेजेंट। तो लोअर फंजाई का अगर बेसिकली देखा जाए यहाँ पर तो सेलुलोज पेक्टिन मिलेगा, जबकि हायर फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। द लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ फंगल सेल इज इनक्लोज्ड इन अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा। और इस प्रोटोप्लाज्म जो अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम प्लाज्मा की तरह मानते हो, प्लाज्मा उसमें पाया जाता है। मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा यानी कि सेलवाल के अंदर जो एक लेयर पाई जाती है जो साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है उसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी राइबोसोम्स वैक्यूल्स बेसिल्स माइक्रोब्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोम्स माइक्रोट्यूबुल्स। और बाकी जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, गॉल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल ऑर्गन्स एडवांस हो सेल में होते हैं वो ऑर्गन्स इसमें मोस्टली पाए जाते हैं, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता। ये सेल का स्ट्रक्चर जो सेल्स मिलती है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल है, ऑयल ड्रॉप्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन जो है रिजर्व फूड मेटल ग्रुप में पाया जाता है, बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें। अब इसमें जो हमारा होते हैं कुछ हायर फंजाई होते हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें राइजॉइड्स कहते हैं। राइजॉइड्स इज द शॉर्ट रूट लाइक फिलामेंटस आउटग्रोथ ऑफ द थैलस जनरली फॉर्म द टफ्ट एट द बेस स्मॉल यूनिसेलुलर थैलाई स्मॉल प्रोपोर। राइजॉइड्स सर्व एज द अनकोरिंग अटैचमेंट ऑर्गन सबस्टेटम आल्सो एन ऑर्गन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द सबस्टेटम। राइजॉइड्स आर द शॉर्ट डेलिकेट फिलामेंट एंड कंटेन प्रोटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई। तो देखा जाए जो हायर फंजाई बेसिकली हायर फंजाई होते हैं उनमें रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं नीचे, जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम आते हैं, सबस्टेटम में अपनी पकड़ बनाते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं और प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं राइजॉइड्स। राइजॉइड्स बहुत ही डेलिकेट माइसिलियम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखा जाए ये जो हम देख रहे हैं कि पूरा फिलामेंट है नीचे जो देख रहे हैं सबस्टेटम बेस में जो फैले हुए स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइजॉइड्स। और इनके पार्ट को भी हाइफी कहते हैं। राइजॉइड्स आर द कॉमन लोअर फंजाई फ्रॉम काइट्रियोमाइसिटीज ओमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज। तो इन तीन फैमिलियों में राइजॉइड्स बहुत कॉमन पाए जाते हैं, लोअर फंजाई वैसे नॉर्मली नहीं मिलते हैं। काइट्रियोमाइसिटीज ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज तीन ऐसे ग्रुप है फंजाई के जिनमें लोअर फंजाई के ग्रुप है जिनमें राइजॉइड्स पाए जाते हैं। सम स्पीसीज प्रोड्यूस मैनी ब्रांच्ड राइजो माइसिलियम। और कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं कि जिनके राइजॉइड्स जो होते हैं माइसिलियम जो होती है बल्टी ब्रांच होती है। दिस इज एन एक्सटेंसिव राइजॉइडल सिस्टम दैट यूजली डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई बट थ्रो विच न्यूक्लियाई माइग्रेट।
क्लेडोकाइट्रियम और राइजोमाइसिलियम न्यूमरस स्पोरेंजिया डेवलप। अब कुछ विशेष प्रकार के राइजोइडल सिस्टम होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर कहा जाए कि राइजोइड्स बेसिकली जो होता है वो स्टेराइल पार्ट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो है माइसिलियम से माइग्रेट करके उस पार्ट में चले जाते हैं, तो ऐसी माइसिलियम को राइजोमाइसिलियम कहते हैं और उसमें बाद में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है। सस थैलाई आर पॉलीसेंट्रिक दैट इज दे फॉर्म सेवरल रिप्रोडक्टिव सेंटर इंस्टेड ऑफ सिंगल वन वेयर थैलस इज टर्न मोनोसेंट्रिक। तो देखा जाए कि बहुत सारे थैलाई हैं जिनमें कई सेंटर पाए जाते हैं और कई इनमें रिप्रोडक्टिव सेंटर का फॉर्मेशन होता है, जबकि थैलस में देखा जाए केवल जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक ही सेंटर पाया जाएगा। तो ऐसे थैलाई को, ऐसे माइसिलियम को हम मोनोसेंट्रिक माइसिलियम होता है। एप्रिसोरियम इज अ सिंपल लोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर जर्म ट्यूब एंड अ प्रेसिंग ऑर्गन फ्रॉम विच माइन्यूट इन्फेक्शन पेज यूजली ग्रो द इंटर द एपिडर्मल सेल ऑफ होस्ट। तो होस्ट सेल की एपिडर्मल में इंटर करते समय इसका निर्माण होता है। इट हेल्प जर्म ट्यूब हाइपर टू अटैच द सरफेस ऑफ होस्ट सेल सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट में चिपकने में हेल्प करता है और होस्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। दीज एप्रोसोरी आर फॉर्म फ्रॉम जर्म ट्यूब ऑफ यूरिडेनल्स यानी रस्ट फंजाई पाया जाता है, रिसाइफेल्स में पाया जाएगा और सेप्रोफिटिक स्टेज में भी मिलता है। इन एडिशन टू द गिव इनक्रेज एप्रिसोरिया हेल्प द पेनिट्रेटिंग हाइपी ब्रांच टू पिक्रिस द होस्ट क्यूटिकल। इन फंजाई लाइक कोलिटोट्राइकम फेलकेटम जर्म ट्यूब फ्रॉम कोनिडिया रिजल्टिंग हाइपी पा एप्रोसोरिया ऑन कमिंग कॉन्टेक्ट विद हार्ड सरफेस लाइक सॉइल। दीज एप्रोसोरिया थॉट द फंक्शन इज रेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो देखा जाए कि ये बेसिकली उन फंजाई की जर्म ट्यूब में बनते हैं जिनके ऐसे होस्ट में इन्फेक्शन करना होता है जिनकी एपिडर्मिस बहुत हार्ड होती है, जैसे कि गन्ने के केस में देखेंगे, शुगर केन के केस में देखेंगे कि कोलिट्राइकम फेलकेटम का जो इन्फेक्शन होता है जिससे रेड रॉट डेवलप होती है, तो उसके केस में एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर एप्रिसोरियम का जिसमें फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हो तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर हमारा आता है हस्टोरिया। तो हस्टोरिया आर द स्पेशल हाइपर स्ट्रक्चर आउटग्रोथ ऑफ सोमेटिक हाइफी सेंट इनटू द सेल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, हाइफी का निर्माण होता है कि जब इन्फेक्शन करता है होस्ट सेल से फूड को उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, उसके अंदर इंटर नहीं करता, एम्बेडेड होके बाहर जो फूड मटेरियल उसको सक करने का काम करता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हस्टोरिया। द हाइपर ब्रांच सेट टू द फंक्शन एज हस्टोरियम बिकम एक्सटर्नली एंड द पॉइंटेड व्हाइल द पिक्साइजिंग होस्ट सेल वॉल एंड एक्सपेंडेड इन द सेल कैविटी ऑफ फॉर्म द वाइडर सैंपल ब्रांच हस्टोरियम। हस्टोरिया में भी नॉब लाइक बैलून लाइक शेप इलोंगेटेड और ब्रांच लाइक माइन्यूट रूट स्टेम। तो हस्टोरिया बेसिकली क्या होता है कि जब जो हमारी माइसिलियम होती है जब किसी होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करती है तो पेनिट्रेशन पर डेवलपमेंटली फूड मटेरियल चेंज होता है। तो हमने बताया था कुछ में तो डायरेक्ट जो हमारा माइसिलियम है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है और सीधे प्रोटोप्लाज्म से कॉन्टेक्ट में आता है, लेकिन कुछ फंजाई में सीधे प्रोटोप्लाज्म से कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, चूसकांग कहते हैं हस्टोरिया को, तो उसके अंदर एम्बेडेड धस जाते हैं और फिर वहां से फूड मटेरियल को अंदर अवशोषित करके माइसिलियम प्रोवाइड कराते हैं और बाद में माइसिलियम जो है वो अपना डेवलपमेंट करती रहती है उसी फूड मटेरियल। इस तरीके आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड है ये और यह सीड में जर्म ट्यूब जो है अंदर हस्टोरिया में जा रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अंदर जाने के बाद इज कॉल्ड हस्टोरियम। द हाइपी ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट लाइक डाउन मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई लाइक फंगस प्रोड्यूस हस्टोरिया। तो इनमें देखा जाए डाउन मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, फंजाई है और इन लोगों इन मेंबर्स में जो है हस्टोरिया पाई जाती है। हाइपोपोडिया हाइपोपोडियम इज अ स्मॉल अपेंडेज वन और टू सेल्स लेंथ एक्सटर्नल हाइपा फंक्शन इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी हस्टोरिया का दूसरा स्ट्रक्चर जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। टर्मिनल हाइपोपोडियम एक्सपेंडेड राउंडेड पॉइंटेड समटाइम्स प्रोड्यूस अ हस्टोरियम एक्टोफिटिक फंजाई।
अटैकिंग लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, तो उसमें ये मिलता है और वहां से ये मोलोलिया शरीर में पाया जाएगा। उसके अंदर जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जहां से फूड मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब काम करता है। एग्रीगेशन ऑफ हाइपी एंड टिश्यू ऑफ माइसिलियम स्ट्रक्चर, माइसिलियल स्ट्रैंड एग्रीगेट ऑफ पैरेलल इंटरबोबिन, इंटरबोबिन मीन्स होता है इसमें जिस तरीके से धागा उलझ जाता है, मांझा उलझ जाता है, उसी तरीके से फंजाई भी एक दूसरे से उलझी हुई रहती है। माइसिलियम स्ट्रैंड एग्रीगेट ऑफ पैरेलल और इंटरबोबिन अनडिफ्रेंशिएटेड हाइपी विच अडर क्लोजली एंड फ्रीक्वेंटली एनास्टोमोस्ट सीमेंटेड टूगेदर, दे आर रिलेटिवली लूज कंपेयर टू राइजोमॉर्फ, दे हैव नो वेल डिफाइंड एपिकल मेरिस्टेम, माइसिलियल स्ट्रैंड फॉर्मेशन इज क्वाइट कॉमन, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिलियल स्ट्रैंड्स फॉर्मर फेमिलियर स्पन ऑफ द कल्टिवेटेड मशरूम्स एगेरिकस बायोस्पोरस, माइसिलियल स्ट्रैंड्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेटिंग मटेरियल इन बोथ डायरेक्शंस, दे आर बिलीव टू एफोर्डेबल मीन्स विच आर फंगस कैन एक्सटेंडेड एस्टेब्लिशमेंट फूड बेस कॉलोनाइज न्यू सबस्टेटम इंक्रीजिंग द इनाकुलम पोटेंशियल फंगस एट द पॉइंट ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो हम बात करते हैं हाइपी में दूसरे कौन से टिश्यू बनते हैं, तो देखा जाए कि जो माइसिलियल है इसमें बहुत सारे इंटरबोबिन स्ट्रक्चर बनते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, लगातार चलते रहते हैं, बहुत ही क्लोजली होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और जिसमें लूज होते हैं स्क्रोटियम रेफ्लोई में कल्चर मीडियम में देखेंगे कंपेयर टू राइजोमार्फ। तो राइजोमार्फ देखा जाए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फंजाई के माइसिलियम से निकलते हैं, उन्हें राइजोमार्फ कहते हैं, उस हमारे बनते हैं। तो देखा जाए जो इस तरीके के स्ट्रक्चर है जो माइसिलियल फॉर्मेशन का निर्माण होता है, बेसिडियोमाइकोटोज है, एस्कोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इस ग्रुप के फेमर्स में इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। माइसिलियल स्ट्रेंथ फॉर द फैमिली स्पन, और इस तरीके से मशरूम कल्टीवेशन होता है तो उसके भी अंदर हेयर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो पूरे कल्चर में फैल जाएंगे और वहीं से एग्रीकस का जर्मिनेटा का नए थैलस का निर्माण करें। वो जो राइजोमार्फ की बात चल रही थी, राइजोमार्फ द थिक थ्रेड लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई मेड अप ऑफ पैरेलल हाइपी ब्रांच ट्यूबुलर फिलामेंट एंड मेक अप टू द बॉडी ऑफ टिपिकल फंगस। तो देखा जाए एक तरीके की माइसिलियम ही होती है, लेकिन ये माइसिलियम बेसिकली रूट के साथ काम करती है, रूट जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे हम राइजोमार्फ कहते हैं। द वर्ड राइजोमार्फ लिटरली मीन्स रूट फ्रॉम, राइजोमार्फ्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे रिजेंबल प्लांट्स। तो राइजोमार्फ मीन्स रूट, मार्फी मीन्स शेप, जो रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस कार्ड राइजोमार्फ कहलाता है, अभी हम बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फंगस सेपरेट अंडरग्राउंड फ्रॉम द रूट सिस्टम एंड अदर बाय द, तो कुछ प्लांट्स में भी जो फंजाई एसोसिएट रहता है तो उन्हें वहां भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये राइजोमार्फ बेसिकली देखा जाए जो प्लांट्स के अंदर मिलता है, जिस तरीके से ये सेगमेंट है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जो टिश्यू के अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर दिखाया गया राइजोमार्फ का, इसको हम देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फंजाई में मिनरल्स वाटर को सबस्ट्रेटम को खड़ा करने में, सबस्ट्रेटम चिपकाने में बहुत मदद करता है माइसिलियम की। तो इस तरीके से देखा जाए हायर प्लांट्स के साथ भी बीच में मिलता है, स्टोली फार्म राइजोमार्फ कहते हैं, जो रूट से रूट के लिंक बीच और इन्फेक्शन अंदर अंदर फैला है। फंगल टिश्यू ड्यूरिंग द सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट फंजाई माइसिलियम बिकम ऑर्गेनाइज्ड लूजली कॉम्पैक्ट बोबिन टिश्यू, दीज ऑर्गेनाइज्ड फंगल टिश्यू आर कॉल्ड प्लैंक्टेनकाइमा। तो कुछ जो फंजाई होते हैं माइसिलियम होती है, कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्लेक्टन काइमा। प्लेक्टन मींस होता है बेबिन, काइमा मींस फ्यूजन, यानी कि बुना हुआ हो, आपस में उलझे हुए हो, ऐसे टिश्यू को हम कहते हैं प्लेक्टन काइमा। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लेक्टन काइमा, प्रोजन काइमा एंड सीडो प्रोजन काइमा। वेन टिश्यू इज लूजली बोबिन, जब ये ढीली होती है हाइफी तो और पैरेलल हो एक दूसरे के तो हम प्रोजन काइमा कहते हैं, और जब ये कॉम्पैक्ट हो जाती है तो प्लेक्टन काइमा का निर्माण करते हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से फंगल स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं, तो ये प्रोजन काइमा है लूजली यहाँ पर, और स्क्लेटिया में देखेंगे कॉम्पैक्टली जो जाती है यहाँ पर राइजोमार्फ का निर्माण करती है, सीडोपेरेन काइमा कहलाती है। तो स्ट्रक्चर है जो माइसिलियम निर्माण होता है इनका। दीज टिश्यू डिस्टिंग्विश एट टिपिकल इलोंगेटेड सेल सीडोपेरेन काइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड मोर लेस आइसोडायमेट्रिक ओवल सेल्स रिजेंबलिंग द पेरेन काइमा सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू हाइफी लूज देयर इंडिविजुअली एंड आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड,
cells in parenchyma then bond the cell is protonchyma. तो इस तरीके से parenchyma thin bond, तो अगर compact structure बनता है तो scleroderm कहलाएगा, थोड़ा bobin है अंदर, एक दूसरे से bond में cells मिली हुई हैं, तो pseudoparenchyma structure कहलाएगा. अब अगला structure हमारा important है stroma and scleroderm. तो stroma means matrices. The stroma is a compact somatic structure, hypal aggregation similar to the matrices of cushion on which fructification of fungi are usually formed. तो इसमें क्या होता है, जो हमारी माइसिलियम होती है वो कुशन लाइक मखमली टाइप की हो जाती है, उलझ जाती है और उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है. उस फ्रूटिंग बॉडी को हम, जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है बेसिकली और फ्रूटिंग बॉडी बाद में निकलती है बाहर, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रोमा. दे हैव द वेरियस शेप साइज हाइपल मासिस लाइक एसरबोलाई स्पोरोडिया पायोनोड्स द फर्टाइल स्ट्रोमेटा बियर द स्पोरोफोर प्रोड्यूसिंग स्पोर. तो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जो निकलती है डिफरेंट स्ट्रक्चर लगी, उसी फ्रूटिंग बॉडी को हम स्ट्रोमा कहते हैं. जो हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी जो फंजाई में पाई जाती है. स्क्लेरोटिया इज द रेस्टिंग बॉडी फॉर्म द एग्रीगेशन ऑफ सोमेटिक हाइपी इन टू द डेंस rounded, flattened, elongated, horn-shaped structure, dark marks. They are thick, bald, resting structure which contain food reserve. Scleroderma hard structure stand unfavorable physical, chemical conditions. They may remain dormant longer period of time, sometimes several years, germinate to return the favorable condition. Scleroderma on germination may be the mycelogenous and produce directly mycelium. स्क्लेरोटिया रोजिफेरे राइजोक्टोनिया सोलनाई इटीसी. तो अगर देखा जाए स्क्लेरोटिया जो है बेसिकली एक विशेषकर बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर पहले तो लूज होता है लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई होता है ये हार्ड हो जाता है और जो केमिकल कंडीशन भी होती है इससे डक्स बनाई जाती है. क्लेविसस परफ्यूरिया में बनता है बेसिकली स्ट्रक्चर बनता है और ये डायरेक्ट जर्मिन होकर फिर से इन्फेक्शन कर सकता है. जो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्क्लेरोटिया है जो उससे डक्स प्राप्त होती है. तो क्लेविसस इसमें जो हमारा फंजाई होता है क्लेविसस परफ्यूरिया होता है इसे एरगट राई एरगट डिजीज डेवलप होती है और एरगट नाम की से ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है जो प्राप्त होती है जिसका अलग अलग मेडिसिन यूज किया जाता है. दे मे बी स्पोरोजिनस बियर्स मोर स्पोर बटोडस सिनेरिया. दे मे बी कार्पोजिनस बियर द प्रोड्यूस स्पोर फ्रूट एस्कोकार्प. तो ऐसे है कि जिनमें कार्पोजिनस बॉडी मिलती है उसमें बेसिडियो कार्प मिलते हैं एस्कोस्पोर में मिलते हैं. स्क्लेरोटिया क्लेविसस परफ्यूरिया में बताया था एरगट ऑफ राई एरगट राई में इसका इन्फेक्शन होता है उससे बनते हैं हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं. अगर हम हिंदी में कहें तो कहते हैं जो चूहा होता है जो बीस्ट करता है तो उस तरह से पार्टिकल उसमें निकलते हैं बीस्ट के उसके तो उस तरीके से ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है स्क्लेरोटिया में जो बेसिकली देखा जाए जो ड्रग्स होती है प्रकार की फंगस से प्राप्त होती है क्लेविसस परफ्यूरिया से. तो क्लेविसस परफ्यूरिया स्क्लेरोटिया जर्मिनेट तो जर्मिनेट होगी गिव राइज टू ड्रामेस्टिक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिथीसियल स्ट्रोमेटा. तो एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसे पेरिथीसियल स्ट्रोमेटा कहते हैं विच कंटेन पेरिथीसिया फ्लास शेप कंटेन विच एसआई एंड फार्न. तो इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे पेरिथीसिया कहते हैं और उसी के अंदर एस्कस बनते हैं एसआई बनते हैं जिनसे स्पोर डबल. माइकोराइजी माइको मींस मशरूम राइजा मींस रूट यानी कि मशरूम रूट. इधर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन तो कुछ प्लांट हमने पढ़े जैसे कि हमने पढ़ा है देखा जाए पायरस केस में रूट हेयर्स नहीं पाई जाती हैं उसकी रूट में फंजाई रूट हेयर का काम करता है उसका एसोसिएटेड होती है तो ऐसे रूट को माइकोराइजर रूट कहते हैं. एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स रूट फंजल माइसीरियम मैनी प्लांट्स नेचर हैव बीन माइकोराइजर एसोसिएशन. माइकोराइजर प्लांट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट सिस्टम बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल वेन द सॉइल आर डिफिशियंट टू द फॉस्फोरस. बेसिकली अगर हमारा जहाँ फॉस्फोरस डिफिशियंसी है हमने बताया कि पायरस केस में ऐसा होता है और वो रूट हेयर का लिमिटेड एरिया होता है लेकिन माइसिलियम में तो बहुत बड़े एरिया से सॉइल में प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन को सक कर सकता है. नेचर ऑफ एसोसिएशन लिंक टू सिम्बायोटिक म्यूटलिज्म नॉन पैथोजेनिक और वीकली पैथोजेनिक. दे आर थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रोलॉजिकल फंगल एसोसिएशन इन प्लांट्स रूट. तो तीन प्रकार का होता है दे आर एक्टोट्रॉपिक सीथिंग एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा एंड एंडो एक्टो एंडो रूफोमाइकोराइजा. इस प्रकार के थ्री माइक्रोलॉजिकल एसोसिएशन पाए जाते हैं. हम देख सकते हैं कि रूट में किस तरीके से फंजाई एसोसिएटेड होता है रूट के साथ में
और फिर रूट्स का डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व करने का काम करता है। ये देखते हैं स्ट्रक्चर, हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेक्शन कटिंग किस तरीके से जो माइकोराइजा है एसोसिएट के साथ में। रिप्रोडक्शन, तो फंजाई में बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ स्पीसी। तो रिप्रोडक्शन का मेन पर्पज है कि अपने अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल तैयार करना, जनरेशन को बढ़ाना, इंक्रीज करना। फंजाई रिप्रोड्यूस मींस ऑफ एसेक्सुअली सेक्सुअली पैरासेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विशेष प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, सोमेटिक बॉडी से ही नया प्लांट बन जाता है, नई बिना उसके यूनियन के ही नया ऑर्गन बनता है, नए ऑर्गन से ही नया प्लांट बन जाता है। जबकि कुछ में प्लांट में क्या होता है, नए नए तुम्हारा सेक्स डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। तो फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ स्पीसी। तो देखा जाए फंजाई जो डोमिनेंट रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट विल नॉट यूज सेक्स। तो देखा जाए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेटेरिया बनती है, उसका यूनियन होता है, न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है, कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम फ्रेगमेंटेड एनी पार्ट ऑफ द थैलस। तो इसमें क्या होता है कि कोई माइसिलियम उसका छोटा सा पार्ट अगर टूट जाता है तो उससे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, फ्यूजन ऑफ यूनिसेलुलर, टूटने से नया थैले बन जाएगा। इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेल डिवीजन रिप्रोडक्ट बाय द मेथड ऑफ फ्यूजन आर द फंजाई। फ्यूजन द सिंपल स्प्लिटिंग सेल्स इनटू द डॉटर सेल्स, कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इज ऑब्जर्वेशन इज सैक्रोमाइसिस स्पीसीज बडिंग। तो देखा जाए जो बडिंग का प्रोसेस है तो इसमें एक जो हमारी एक यूनिसेलर होती है उसके अंदर दूसरी बड़ी आउटग्रोथ बनती है, फिर बाद बड में कन्वर्ट होती है, और बड को अगर अलग कर दिया जाए तो नया प्लांट बनता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन बेसिकली ईस्ट में मिलता है। बडिंग इज द रिप्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द पैरेंटल सेल्स एज द बड इज फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ पैरेंटल सेल्स डिवाइडेड बन डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द बड। बड इंक्रीज द साइज व्हाइल द इज अटैच्ड टू द पैरेंटल सेल, इवेंटुअली ब्रेक आउट ऑफ द फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉमन द ईस्ट। तो इस तरह के फ्रेगमेंट देखते हैं, नया माइसिलियम बन जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, वो स्पोर मीन सीड होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फंजाई है बेसिकली देखा जाए तो फंजाई जो है वो क्रिप्टोगेमस प्लांट है, इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन स्पोर जो देखे जाए बेसिकली वो सीड का ही काम करते हैं। जिस तरीके से सीड नए इंडिविजुअल को जन्म देता है उसी तरीके से फंजाई के अंदर अगर देखा जाए तो स्पोर से नया इंडिविजुअल बनता है, और ऐसा इंडिविजुअल बनता है पैरेंटल इंडिविजुअल के समान होता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। द टर्म स्पोर इज अप्लाइड to any small propagative reproductive or survival unit which separated from the hypersporogenous cells and can grow independently into a new individual. Spore may be unicellular, multicellular, multicellular spores are mostly the transverse septa which in the some genera like Alternaria, a spore which have the both transverse and longitudinal septate. Each cell of the multicellular spore may be uninucleate, binucleate or multinucleate depending on the fungal species. The spore may be differentiate shape and size. अब बात कर रहे थे कि जो spore है seed का काम करता है, कुछ species ऐसी पाई जाती है जिनमें seed जो है spore जो है multicellular होता है। Multicellular में जिनकी cells होती हैं वो elongated होती हैं, septate होती हैं, और इनके अंदर जो basically होता है जो cells होती हैं वो uninucleate होती हैं, multinucleate होती हैं, और एक दूसरे से different size में भी differentiate होती हैं। दे मे बी स्पेरिकल, ओवल सेल, ओवल। तो जो हमारा जो स्पोर होते हैं स्पोरेंजिया, उनका शेप भी स्पोर का अलग अलग होता है, ओवेट होता है, गोलाकार होता है, पेरीफार्म होता है, ओपेरीफार्म होता है, एलिप्सॉइडल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ऑब्लॉन्ग होता है, फिलीफार्म होता है, यानी डिफरेंट शेप एंड साइज पाए जाते हैं। स्पोर मे बी विदाउट सिंपल और ब्रांच अपेंडेज, स्पोर मे बी मोटाइल, नॉन मोटाइल, स्पोर मोटाइल दे आर कॉल्ड प्लेनोस्पोर। तो जो स्पोर जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें प्लेनोस्पोर्स कहते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स मूवमेंट नहीं करते हैं उन्हें एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर स्पोरेंजिया है, यहाँ पर ये स्पोर निकल रहे हैं, जो जू स्पोर्स निकल रहे हैं, स्पोरेंजिया से स्पोर निकल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से स्पोर बनते हैं और जो नए प्लांट इंडिविजुअल को जन्म के बाद देते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स, तो कुछ विशेष प्रकार के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स,
ये जो स्पोर्स है ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। स्पोर जो फोर्स आर द मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स इन सिमिलर फंजाई द स्पोरेंजियोस्पोर आर यूजली मोटाइल कार्ड जूस्पोर। तो जो स्पोर मूवमेंट करते हैं वो जूस्पोर कहलाते हैं। दीज स्पोर आर प्रोड्यूस इन द लोअर फंजाई विच इनहेबिट एक्वाटिक एंड मोस्टली टेरिटोरियल सबस्टेट। द स्पोरेंजियोस्पोर आर फॉर्म्ड ग्लोबोज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर भरे रहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये इसका शेप एंड साइज अलग अलग हो सकता है। जाइगोमाइसिटीज स्पेशली द म्यूक्रेल्स नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एप्लोरोस्पोर। तो जाइगोमाइसिटीज मेंबर में म्यूक्रेल्स आता है, इसके स्पोर मूवमेंट नहीं करते, इनको एप्लोरोस्पोर कहते हैं। ये गोलाकार होते हैं, इनके चारों तरफ एक कालूमेला पाया जाता है, चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गोलाकार स्पोरेंजिया पाई जाती है जिसके अंदर स्पोर रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके जो स्पोर्स हैं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्पीसीज में स्पोर है जिनको हम देख सकते हैं। म्यूक्रेल्स एंड नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एप्लोरोस्पोर्स। द कंसेंट्रेटेड ग्लोबोज स्पोरेंजिया सराउंडिंग द सेंट्रल पोर एट कालूमेला। द स्पोरेंजिया आर आल्सो नोन एज भेज देयर कालूमेला वेयर द स्पोर्स आर अरेंज्ड इन द रो इनसाइड द सिलिंड्रिकल सैक। टर्म इज द मीरो स्पोरेंजियम और सिंसिफेरस्ट्रम और म्यूक्रेल्स जो स्पोरेंजिया म्यूक्रेल के अनुसार नाम दिए गए। जू स्पोर्स, जू मीन्स एनिमल, स्पोर माने सीड स्पोर। इट इज द एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर विच मोटाइल बाय मीन ऑफ फ्लैजेलम और फ्लैजेला। ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजिया के द्वारा दिखाई देते हैं पाए जाते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं। हेलो, बात बात करता हूं दो मिनट अभी। द स्पोर आर प्रोड्यूस विद वन और टू फ्लैजेला। ऐसे स्पोर होते हैं मूवमेंट के लिए जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक या दो फ्लैजेला होते हैं जो फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो स्पोर को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चिपकने में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऐसे स्पोर कहलाते हैं स्पोर। स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्लैजेला, इसमें दो प्रकार के फ्लैजेला इसमें पाए जा रहे हैं, तो ऐसे स्पोर कहलाते हैं। कोर्डियोफोर, कोर्डियोस्पोर, जो कोर्डिया होते हैं गोलाकार होते हैं, आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्पेशल बेयरिंग हाइपी कोर्डियोफोर्स होते हैं। तो बेसिडियो माइकोटिना डिटोरो माइकोसिटा में एस्कोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। डिटोरो माइकोटिना कोर्डिया आर द ओनली मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कोर्डिया में भी बॉर्न सिंगली और चैन। तो जो बेसिकली जो कोर्डिया होते हैं या तो चैन फार्म में लगे रहते हैं या ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इनमें जो चैन पाई जाती है तो उसमें अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। अगर हम बात करेंगे एल्बिगो में तो उसमें जो यंग होता है वो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर नीचे की ओर होता है और ओल्ड कोर्डिया सबसे ऊपर की ओर होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को बेसिपेटल अरेंजमेंट भी कहते हैं। दे वेरी फॉर्म यूनिसेलुलर क्लस्टिडियम बाइसेलुलर माइक्रोडिया फ्यूजेरियम एंड मल्टीसेलुलर प्लास्टोस्पेसीज सार्कोस्पोरा। तो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी मिलते हैं। वन सेल्ड स्पोर इज कॉल्ड एमरोस्पोर। ऐसे स्पोर जिनमें केवल एक सेल पाई जाती है वो एमरोस्पोर कहलाते हैं। टू सेल्ड कॉल्ड डिडियोमोस्पोर और मल्टीसेलुलर स्पोर इज कॉल्ड फ्रेगमोस्पोर कहलाते हैं। मल्टीसेलुलर कोरिडिया में भी डिवाइडेड बाय द सेप्टा, यानी कि जो मल्टीसेलुलर होती है कोरिडिया वो सेप्टा के द्वारा डिवाइडेड होती है। थ्री प्लेन्स होते हैं। द अल्टरनेरिया कोरिडिया विद बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा आर कॉल्ड डिक्टियोस्पोर। तो इस तरीके से देखते हैं कि कोरिडिया कोर्डियोफोर के ऊपर लगी रहती है, अरेंजमेंट रहता है बेसिकल, और ये स्ट्रक्चर पर कोर्डिया लगती है उसे कोर्डियोफोर। स्पेशल टाइप कोर्डिया में भी बैरी दे ग्लूकोज इलेप्टिकल ओवाइड सिलेंड्रिकल ब्रांच स्पाइकल कोवाइड स्टारशिप। तो जो कोर्डिया होते हैं इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। द कलर ऑफ कोर्डिया में भी हेलाइन कलर्ड पिंक ग्रीन डार्क कलर की होती है, उसी कलर का हमें दिखाई देंगी। द डार्क पिगमेंट प्रोबेबली मेलानिन। तो जो पिगमेंट का कलर जो होता है वो मेलानिन के कारण होता है। द कलर ऑफ कोर्डिया कोर्डियोफोर आर इंपॉर्टेंट फीचर यूज द क्लासिफिकेशन। तो अगर हम देखा जाए कि फंजाई की कॉलोनी के अनुसार, फंजाई को हम कलर के अनुसार भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा फंजाई, तो कॉलोनी जो होती है हर फंजाई की कॉलोनी का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो इससे हमें क्लासिफिकेशन में भी हेल्प मिलती है। इन द ऑर्डर एंटमोपैथोरोल्स बेसिडियोल एंड पाइलोबोल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मींस फैब्रिकली डिस्चार्ज यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट प्राइमरी कोरिडिया। ऑन जर्मिनेशन प्राइमरी कोरिडिया डेवलप
यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, सेकेंडरी कोनिडिया, जर्मिनेट भी होता है। अब अगला स्ट्रक्चर आता है क्लेमाइडोस्पोर, द स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर इज फॉर्म इन फंजाई। तो देखा जाए तो क्लेमाइडोस्पोर मीन्स मेंटल स्पोर सीड एंड मेंटल सीड्स इज द थिक बॉल्ड थैलिक कोरिडियम जनरली फिकेशन है रेस्टिंग स्पोर। तो जो रेस्टिंग स्पोर होता है उसको चारों तरफ एक थिक बाल पाई जाती है और कुछ समय तक पड़ा रहता है, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आने पर जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है। द टर्मिनल इंटरकलरी सेगमेंट माइसीलियम मे बी बिकम पैक्ड विद फूड रिजर्व दैट डेवलप थिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल होती है इंटरकलरी सेगमेंट के अंदर माइसीलियम जो होती है वो पैक रहती है, उसके अंदर रिजर्व फूड भी भरा रहता है, जिसकी वजह से जो सर्वाल होती है वो थिक हो जाती है। बाल में भी कलरलेस पिगमेंटेड विद डार्क मेलानिन पिगमेंट। तो बेसिकली जो जो सलवाल होती है वो कलरलेस होती है, कभी कभी इसमें पिगमेंटेड और डार्क मेलानिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है। द स्ट्रक्चर आर नॉट, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर का जो निर्माण होता है बेसिकली फ्यूजेरिया म्यूकर आदि में होता है। जनरली दे आर नो मैकेनिज्म ऑफ डिटैचमेंट एंड डिस्पर्सल ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। तो देखा जाए जनरली जो है जो क्लेमाइडोस्पोर है उसके डिस्पर्सल की कोई मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है। दे बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर डिस्टिंग्विश द इंटरबोबिन हाइफी। दे आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन एसेक्सुअल सर्वाइवल ऑफ सॉइल फंजाई। वेन क्लेमाइडोस्पोर्स फाउंड इन द बिटवीन फंगल सेल्स आर कॉल्ड इंटरकलरी क्लेमाइडोस्पोर्स। तो बेसिकली ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स है सॉइल फंजाई में पाया जाता है और वहीं पर इसमें मिलता है। क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस एपेक्स ऑफ हाइपी, और जिस हाइपी के एपेक्स पर पाया जाता है हाइपा के उसे हम टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। तो इस तरीके से देखें जो हमारे क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्म हो रहा है, क्लेमाइडोस्पोर यहाँ बन रहा है, थिक बाल्ड इसमें मिल रही है, बीच में स्पोर्स भरे हुए हैं और इससे नए प्लांट का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इन्वॉल्व यूनियन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए मेल और फीमेल का यूनियन बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है और दो हैप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। द न्यूक्लियाई में बी कैरीड आउट मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, गैमेटिंजिया और द सोमेटिक सेल्स ऑफ थैलस मिलते हैं इसमें। फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टिपिकल फेज अकर्स द सीक्वेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री फेज होता है। पहला फेज होता है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी मींस प्लाज्मा मींस मोल्डेड ऑब्जेक्ट, बीइंग गैमस मींस मैरिज, यानी कि इसमें देखा जाए साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। एंड एस्ट्रोमोसिस टू सेल्स गैमेट फ्यूजन देयर प्रोटोप्लास्ट टेक प्लेस, यानी जब हमारा प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होता है प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। इन द प्रोसेस ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अपोजिट सेक्स आर ब्रॉट टुगेदर बट न्यूक्लियाई नॉट फ्यूज, न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां हम देख रहे हैं कि एक हमारा ये हमारा फीमेल है, ये हमारा मेल एंथिडियम है, ये इसके अंदर जो स्पोर्स में जा रहा है अंदर फ्यूज हो रहा है ओरियम के अंदर। अब यहीं पे फ्यूजन होगा तो पहले इसमें क्या होगा प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद इसके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो कैरियोगैमी कहलाएगी, उसके बाद इसमें क्या होगा जायगोट का फंक्शन हो जाएगा। कैरियोगैमी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ब्रॉट टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी इज कॉल्ड कैरियोगैमी, यानी कि जब दो डिफरेंट गैमीट के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं कैरियोगैमी। दिस स्टेज फॉलो इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगैमी इन द मेनी ऑफ लोअर फंजाई मे बी डिलेटेड इन हायर फंजाई। तो प्लाज्मोगैमी में तेजी से होता है और जो हायर फंजाई होता है उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। इन हायर फंजाई प्लाज्मोगैमी रिजल्ट द बाय न्यूक्लियेट सेल कंटेनिंग द वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच सेल। तो हायर फंजाई में क्या होता है प्लाज्मोगैमी के बाद जो हमारी सेल्स होती है वो बाय न्यूक्लियेट हो जाती है, डाइकैरियोटिक हो जाती है और उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है लेकिन कुछ समय के बाद होता है। और जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन होते हैं और वो क्या होता है जब तक न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा दिस सेल दिस माइसीलियम इज कॉल्ड डाइकैरियोन। द टू न्यूक्लियाई मे बी नॉट फ्यूज अंटिल लेटर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फंगस। तो ऐसे न्यूक्लियस जो लाइफ हिस्ट्री में फंगस में नहीं फ्यूज होते हैं वो डाइकैरियोटिक कहलाती है। यहाँ पर दिखाया गया कैरियोगैमी। Meanwhile, the during the growth cell division binucleate cell the dikaryotic condition may be repeated from the one cell to तो जो हमारा dikaryotic है उससे जो नई हमारी mycelium बनेगी वो dikaryotic बनेगी। Conjugated division of two closely associated nuclei may be the separator resulting sister nuclei without daughter cells nuclear fusion which eventually takes place in the all sexual reproduction followed। हाँ आ जाओ coaching पे ठीक। कैरियोगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस।
तो कैरियोगेमी में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस बनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस और उनसे डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड कंस्टिट्यूशन द थर्ड फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस न्यूक्लियस अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ईच विद क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम, माइटोसिस डिवीजन फॉलो द फोर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। तो क्या होता है कि जो हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है उसका फिर से डिवीजन होता है, उससे फिर से जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। एस्कोमायोसिटीज अनदर न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ एट न्यूक्लियाई। इस तरीके से जो हमारा एस्कोमायोसिटीज होता है, एसआई का निर्माण होता है, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से आठ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सीक्रेट ऑफ बाल बिकम स्पोर्स और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, स्पोर का निर्माण रूप धारण कर लेता है। इन द ट्रू सेक्सुअल साइकिल एव ऑफ द थ्री फेज अकरिंग इन द रेगुलर सिक्वेंस यूजली द स्पेसिफिक पॉइंट। तो देखा जाए सेक्सुअल लाइफ साइकिल में थ्री फेज होते हैं, देयर इज वन ओनली द फ्री लिविंग थैलस हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल और द फंगस इज कॉल्ड हैप्लोवांटिक एंड डिप्लोवांटिक साइकिल। अ हैप्लोवांटिक थैलस अल्टरनेट विद डिप्लॉइड लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लॉइंटिक साइकिल। एलोमाइसिस एंड मॉस्किटो पैरासाइट इनमें सब में मिलता है, पहले हैप्लॉइड होगा उसके बाद डिप्लॉइड होगा, तो इस तरीके को कहते हैं डिप्लोमैटिक साइकिल कहते हैं। ऑर्गन्स इन्वॉल्व द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फंजाई विच प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो फंजाई में देखा जाए जो सेक्स ऑफ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, अगर एक ही थैलस पर हो रहा है दोनों, एक थैलस पर ही दोनों ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो ऐसे थैलस को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ईच थैलस आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। और मोनोसियस एंड यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। सिंगल थैलस ऑफ मोनोसियस फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इटसेल्फ, इट इज सेल्फ कंपेबिलिटी। इन फंजाई व्हेन द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट थैलाई इज कॉल्ड डायोसियस। अगर मेल और फीमेल अलग अलग थैलाई में बन रहे हैं तो ऐसे फंजाई को हम डायोसियस कहते हैं। नॉर्मली अ सिंगल थैलस डायोसियस फंजाई कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इटसेल्फ, द थैलस इज आइदर मेल और फीमेल। तो ऐसा हो सकता है। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंजाई आर कॉल्ड गैमेटेरिया। तो जो फंजाई में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जिसके अंदर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को गैमेटेंजिया कहते हैं। गैमेटेंजिया मींस होता है, गैमेट्स मींस होता है हस्बैंड, एंजिया मींस होता है बेसिल कंटेनर। द सेक्स आर कॉल्ड गैमेट्स एंड मदर सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड गैमेटेंजिया। इट्स गैमेट्स आर गैमेटेंजिया रिप्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन द गैमेट्स गैमेटेंजिया प्रोड्यूस डिफरेंट साइज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड heterogametes and heterogametengia respectively. In later case, the male gametengia is called enthidium and female gametengia is called oogonium. The male gametes is known as anthrozoite and female gametes is known as cell spores. The method of sexual reproduction, तो देखा जाए sexual reproduction कई तरीके से होता है। Plenogametic copulation, gametengial contact, gametengial copulation, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोगैमी। तो प्लेनोगैमेट मोटाइल गैमेट्स आर सेक्स सेल्स, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स वन और बोथ व्हिच आर मोटाइल इज कॉल्ड प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स मोटाइल होते हैं, आपस में फ्यूजन होता है, तो इस फ्यूजन को हम प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन एक्वाटिक फंजाई। तो ये स्ट्रक्चर देखा जाए एक्वाटिक फंजाई, जो वाटर में पानी के अंदर पाए जाने वाले फंजाई है, उनमें इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। They are three different type of plenogametic copulation. तो plenogametic copulation जो होता है कई प्रकार का होता है। नंबर वन देखा जाए copulation of isogamous motile, तो इसमें दोनों gametes के shape and size होते हैं समान होते हैं। In this type of morphologically similar but compatible type of the mating type of gametes to form of motile zygote syncytia। तो इस तरीके के मिलते हैं। copulation anisogamous motile gametes, तो इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो अलग साइज के होते हैं। इट बार यूनियन ऑफ लार्ज गैमेट एंड अदर सिमिलर गैमेट्स स्मॉलर गैमेट्स एंड दे रिजल्ट जायगोट स्मोटाइल। तो उसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, फ्यूजन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। द जायगोट रिजल्टिंग फॉर्म द आइसोगैमस अनआइसोगैमस प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन फॉर्म्स रिजल्टिंग स्पोरेंजिया। उसके बाद उसमें स्पोरेंजिया का निर्माण होगा। फर्दर डेवलपमेंट द फंक्शन एंड स्पोरेंजिया मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू जू स्पोर। तो जायगोट बनेगा, जायगोट से स्पोरेंजिया बनेगी, उसमें डिवीजन होगा, उसमें डिवीजन से बाद में स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर से का निर्माण होगा। हेटरोगैमस प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इन दिस टाइप नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइज्ड बाय द मोटाइल फील गैमेट। यानी कि इसमें एक मूवमेंट करेगा एक मूवमेंट नहीं करेगा, दोनों के बीच जो
फ्यूजन होगा, जो यूनियन होगा उसको कहते हैं हेटरोगैमस रेटिनोगैमेटिक कॉपुलेशन। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इन द रेस्टिंग स्पोर। स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूस द न्यू माइसीलियम, और स्पोर का फॉर्मेशन होगा उससे नए माइसीलियम निर्माण हो जाएगा। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इन दिस मेथड द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कम इन कॉन्टैक्ट, वन और मोर न्यूक्लियाई फॉर्म द मेल गैमेट, इंटर द फीमेल गैमेट, ओगोनियम डिजॉल्व इन द इंटरवेविंग बॉल थ्रू द पोर थ्रू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स। तो इसमें दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे, दोनों के बीच की जो सेल वॉल होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी, और उसके बीच कई सारे मेल जो है फीमेल के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन एक ही मेल दूसरे फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, बाकी सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसके बीच में जो आपस में जब कॉन्टैक्ट होता है तो बीच में ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, जिस ट्यूब के द्वारा ही गैमेट का ट्रांसफर होता है। इन केस ऑफ गैमेटेंजिया एक्चुअली फ्यूज लूज देयर आइडेंटिकल ड्यूरिंग द सेक्सुअल फंजाइन पेरोनोस्पोरा। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो कॉमन इन सम एस्कोमाइकोटेना वेयर एंथीडिया फीमेल ऑर्गन्स मे बी वे नॉट बी वेल डिफाइंड। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बेसिकली देखा जाए तो एस्कोमाइकोटेना में कॉमन है, जो हम देख सकते हैं ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दोनों के बीच एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको थ्रू स्पोर्स के अंदर। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ टू मेटिंग गैमेटेंजिया, देयर आर टू टाइप्स, मिक्सिंग ऑफ इंटायर प्रोटोप्लाज्म मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया। टू गैमेटेंजिया मीट देयर इंटायर कंटेंट फ्यूज इन द फीमेल गैमेटेंजिया लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, द जायगोट फॉर्म द रेस्टिंग स्पोरेंजिया एक्विटिक फंजाई। तो इस तरीके का देखा जाए तो गैमेटेंजियल फॉर्मेशन है वो एक्विटिक फंजाई में बेसिकली बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है, इसमें मिक्सिंग हो जाती है दोनों की और उसके बाद का फॉर्मेशन हो जाता है। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनके बीच में पहले कॉन्टैक्ट होगा, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके दो सेल वॉल है वो डिजॉल्व हो जाएगी और दोनों एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटेंजिया है, इसका स्मॉल साइज है मेल है और लार्ज साइज फीमेल है, दोनों के मिलने के बाद इसमें क्या हो रहा है, सेल वॉल डिजॉल्व हो जा रही है, दोनों का आपर कैरियोगैमी और प्लाज्मियोगैमी का प्रोसेस इज कंप्लीट है। इसमें आइसोगैमस कॉपुलेशन टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, यानी कि इसमें जो दोनों गैमेट्स होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन शेप एंड साइज में समान होते हैं, तो इसके बीच जो जो कॉपुलेशन होता है, मिलन होता है, उसको हम आइसोगैमस कॉपुलेशन कहते हैं। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, जिससे जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का कॉपुलेशन जो है म्यूकर और आइजोपस और फाइकोमाइसिस के मेंबर पाया जाता है, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर। स्पर्मेटाइजेशन सम फंजाई लाइक द रस्ट बियर द न्यूमरस माइन्यूट नॉन मोटाइल यूनिक्लिएट मेल सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिया। तो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं कि जिनमें नॉन मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, स्पोरेजिया पाई जा रही है, जिस पर स्पर्मेटिया कहते हैं। स्पर्मेटिया प्रोड्यूस द स्पाइरल रिसेप्टिकल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इंसेक्ट विंड वाटर फीमेल गैमेटेंजिया कैरी, और इन्हें इनके थ्रू जो है वो फीमेल गैमेटेंजिया के ऊपर चले जाते हैं और रिसेप्टिव हाइपा दे विच दे आर बिकम अटैच और उससे अटैच हो जाते हैं। द पोर डेवलप एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्मेटेंजिया पास इन टू द पर्टिकुलर रिसेप्टिव हाइपी, दिस रिजल्ट इन द प्लाज्मोगैमी इनिशिएशन द डाइकैरियोटिक स्टेज ऑफ द सेल। इसके केस में क्या होता है, स्पर्मेटिया जब फीमेल से कॉन्टेक्ट में आती है तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे क्या होता है कि जो सेल वॉल होगी डिजॉल्व हो जाएगी, पोर का निर्माण होगा और स्पोर के थ्रू उसके अंदर इंटर कर जाएगा। इंटर कर जाएगा तो उसमें प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म तो मिलेगा लेकिन इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, और इससे क्या होगा जो नई सेल्स बनेगी वो डाइकैरियोटिक स्टेज में डेवलप हो जाएगी, जो हम देखते हैं। सोमेटोगैमी, इन सोमेटोगैमी टू सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस एंड सोमेटिक सेल्स फ्यूजन एज गैमेटिक, यानी कि इसमें जो हमारी है बॉडी सेल्स आपस में फ्यूज होकर सेक्स सेल जैसा काम करती हैं। हाइपी एनास्टोगैमी इन द न्यूक्लियर अपोजिट मेटिंग टाइप आर ब्रॉट टूगेदर इन द सेल। सोमेटोगैमी इज कॉमन इन एस्कोमाइकोटेना एंड बेसीमाइकोटेना। तो इस तरीके का जो बेसिकली फ्यूजन है वो एस्कोमाइकोटेना के फेमर्स में पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर ऑफ सोमेटोगैमी। हेटरोकैरियोटोसिस द फिनोमेना ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई इन द सेम इंडिविजुअल्स नोन एज हेटरोसिस, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेटरोकैरियोसिस। हेटरो वाले अदर कार्बन न्यूक्लियाई, यानी कि दूसरे न्यूक्लियाई इंडिविजुअल्स विद इस एक्सिबिट हेटरोकैरियोसिस इज कॉल्ड हेटरोकैरियन हेटरोकैरियोटिक्स। इन हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड द न्यूमरस एस्कोमाइकोटिना बेसीमाइकोटिना एंड इम्परफेक्ट फंजाई एंड रिपोर्टेड बाय डेविस इन 1996।
In a heterokaryotic individuals, each nucleus is dependent of all nuclei. What the structure, behavior, individual appear to the controlled by kind of genus contained the proper is kind. तो बेसिकली जो हमारा हेट्रोकैरियोटिक जो प्रोसेस है इसमें तो डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और जो इम्परफेक्ट फंजाई का ग्रुप है एस्को माइक्रोटोना बेसी माइक्रोटोना का उस उनके मेंबर्स में ये पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं इस तरीके से इसमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई वाले फंजाई हैं जो आपस में फ्यूज हो रहे हैं। इनमें प्लाज्मोगैमी हो रहा है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं बन हो रहा फ्यूज, तो ये कराते हैं डाइकैरियोटिक हो जाएंगे और इस तरीके से अलग अलग सेल्स में ये नई सेल्स बनाएंगे। हेटरोकेरियोसिस में भी अराइज इन द फंगल थैलस फोर बेज, तो ये चार प्रकार से नए थैलस उत्पन्न कर सकते हैं बाय द जर्मिनेशन ऑफ हेटरोकेरियोटिक स्पोर्स विच विल गिव राइज टू द हेटरोकेरियोटिक सोमा बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई इन द हेटरोकेरियोट। तो जो हेटरो हमारा जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जेनेटिकली डिफर होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा एक माइनस होगा पाइनस होगा, इस तरीके न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है म्यूटेशन इन मल्टी न्यूक्लियट होमोकैरियोट। और इस तरीके से अगर होमोकैरियोटिक सेल्स का जो हो रहा है म्यूटेशन हो रहा तो उसमें एक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है बाय फ्यूजन ऑफ सम न्यूक्लियाई द हैप्लॉइड होमोकैरियोट फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियाई व्हिच सबसीक्वेंटली सर्वाइव मल्टीपल सेपरेट अमंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दस सम फंजाई इट इज पॉसिबल टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई सेम एंड मिक्सचर ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मिक्सचर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ फंगल इंडिविजुअल्स हैव द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। तो देखा जाए अधिकांश फंजाई में जो लाइफ साइकिल होती है बेसिकली वो हैप्लॉइड भी होती है और कुछ लाइफ साइकिल जो होती है